दोस्तों आज मैं आपको उन ओल्ड कॉइन की लिस्ट बताने जा रहा हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने इसलिए इन कॉइन्स को सिलेक्ट किया है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द जो ओल्ड कॉइन है वो या तो बॉटम प्राइसिस पे जा पहुंचे हैं या फिर वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट या हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम कॉइन्स की प्राइसिस पंप हुआ करती हैं। सेकंड नंबर पर और इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ना सिर्फ और ना सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इनकी टीम अच्छी है, बल्कि ये प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं जिनकी आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ती जाएगी और जैसी डिमांड बढ़ती रहती है प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर इन होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नंबर वन पे जो कॉइन है वो है KMD कॉइन। कोई भी कॉइन नंबर वन नहीं है, सारे कॉइन जो आपको आपको मैं 10 कॉइन्स की लिस्ट बताऊंगा जो मेरी मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं और अदर आपको फर्दर 5 होल्ड कॉइन बताऊंगा। अगर आप इनको होल्ड किए हुए हैं तो आपको ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है, ये जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट देंगे, शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट देंगे। नंबर वन पे है कोमोडो कॉइन। सारे ये कॉइन नंबर वन ही है मेरे, पहले जिनका नाम लेता हूँ बाद में नाम लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉइन ज्यादा अच्छा है दूसरा कम अच्छा है। KMD कॉइन की जो प्राइस है वो 18,024 सतोशी है। अगर ये आपको 17,000 से लेके 18,500 के बिटवीन नजर आता है तो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर भी है और साथ में हिस्टोरिकल सपोर्ट पे भी है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम में प्राइसेस ने रिकवर किया हुआ है KMD कॉइन ने, आप इसको बाय कर सकते हो। और आपको मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप इस एडवाइस को पर्सनली एडवाइस मेरी समझिएगा, ये प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, पर्सनल एडवाइस लीजिएगा, आपके प्रॉफिट या नुकसान की मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं कॉइन तो आप इनमें इन्वेस्ट करें, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप इनमें इन्वेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, नंबर वन पे हो गया कोमोडो। दूसरे नंबर पे जो कॉइन है वो है स्ट्रेट कॉइन। स्ट्रेटस कॉइन जो है, STRAT, स्ट्रेटस जो कॉइन है ये कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है और ये ऐसा कॉइन है जो कि स्लोली स्लोली बढ़ता है और प्रॉफिट देता है और जब मार्केट क्रैश होती है स्लोली ही नीचे आता है। एट दिस टाइम पे ये वाला जो कॉइन है ना ये एक बॉटम प्राइस पे है। स्ट्रेटस कॉइन जो है 16,860 सतोशी पे है, ये 16860 पर, और आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर सकते हो। एम आई बाइंग दिस कॉइन फॉर द शॉर्ट टर्म? यस आई एम, मैं इनको इसको बाय कर रहा हूँ स्ट्रेटस कॉइन को बल्क क्वांटिटी में, आई एम फिलिंग माई बैग्स। स्ट्रेटस कॉइन आप बाय कर सकते हो नंबर टू पे, ये कॉइन है अच्छा प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। कैन यू इमेजिन इसका ऑल टाइम हाई कितना था? आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $20 इसका ऑल टाइम हाई था डॉलर्स में और अभी ये सिर्फ 91 सेंट का है। ठीक है, नंबर थ्री पे जो कॉइन है, जल्दी जल्दी से मैं लिस्ट बताता जाता हूँ आपको अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नंबर थर्ड पे जो कॉइन है वो है क्यूटम कॉइन। क्यूटम कॉइन का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में, ये काफ़ी ज़्यादा बूम भी हुआ है रिसेंटली, अभी फिर ये बाइंग रेंज में आ चुका है। 45,944 BTC इसकी प्राइस है, 2.5 $2.5 का ये अभी कॉइन है, इसको आप बाई कर सकते हो। 34 रैंक पे है और इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखो तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये $100 के करीब गया है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैप्स भी बनती हैं और आने वाले वक्त में भी अदर कॉइन्स इसके ऊपर बनेंगे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। क्यूटम कॉइन अच्छा कॉइन, आप इसको खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, परफेक्ट कॉइन है। मेरा ये शॉर्ट टर्म कॉइन भी हमेशा रहा है और लॉन्ग टर्म कॉइन भी ये हमेशा रहा है। कोमोडो, स्ट्रेटस, क्यूटम, टॉप थ्री मेरे, मेरा अगर पर्सनल व्यूज पूछे ये टॉप थ्री कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कभी भी लॉस नहीं दिया। ये नीचे भी चले जाते हैं तो जल्दी से जल्दी ये रिकवर भी कर जाते हैं। नंबर फोर पे जो कॉइन है वो है पॉलीमैथ कॉइन।
पोली कॉइन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा ये आपको बता भी चुका हूँ, एक सिक्योरिटी टोकन है। 2019 एंड 2020 सिक्योरिटी टोकन्स का साल रहेगा और आने वाले वक्त में भी काफ़ी सिक्योरिटी टोकन्स मार्केट में आएंगे। अभी जो इसकी प्राइस है 1754 सतोशी है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये आपको 1650 से लेकर 1800 तक मिलता है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये मैं जो रेंज आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बाइंग रेंज हो सकती है। इवन दैट आप एग्जिस्टिंग रेट पर भी बाई कर सकते हैं, 1900 सतोशी पे, 2000 सतोशी पे भी शॉर्ट टर्म में बाई कर सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहे इसको 2000 पे अगर आपने बाई किया हुआ है, 2200, 2500 या 3000 सतोशी पे भी एटलीस्ट बाई किया, 6 7 माह पहले भी इसको बाई किया हुआ है, तो डोंट वरी, आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हो। ये आपको आने वाले वक्त में प्राइस अच्छा प्रॉफिट देगा, पॉलीमैथ कॉइन। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ता हूँ, कोमोडो स्ट्रेटस क्यूटम पॉली, चार कॉइन हो गया। पांचवा जो कॉइन है वो है आईसीएक्स कॉइन। आईसीएक्स कॉइन भी मेरा हमेशा से फेवरेट कॉइन रहा है, 6801 सतोशी इसकी प्राइस है, आईकॉन इसका नाम है, रैंक 39 है। हमेशा मैं पावरफुल कॉइन ही आपको सजेस्टेड किया करता हूँ बाय करने के लिए। ये इन डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, जस्ट आपको ये बताता जाऊँगा कि आप इसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बाय करके कौन से ऐसे कॉइन्स हैं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका अगर आप देखो, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो अप्रोक्सीमेट $11 था। ठीक है, 77,000 सतोशी। ये आपको मोस्टली ऑल टाइम हाई इसलिए बताए जाते हैं कि ये कॉइन में इतनी एबिलिटी है कि इस प्राइस को ये दोबारा टच कर सके। जैसे BNB कॉइन ने क्या अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई से एक और नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुका है BNB कॉइन। ठीक है, इसी तरह आपको जो आपको इसके ऑल टाइम हाई बताए जाते हैं ना कॉइन्स का, वो इसलिए बताया जाता है कि इस कॉइन में इतनी एबिलिटी है कि यहाँ तक वहाँ तक ये दोबारा भी जा सकता है। ठीक है, 6801 सतोशी इसकी प्राइस, आप इसको बाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी के लिए भी अच्छा है, आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट दे सकता है। इससे जो नेक्स्ट कॉइन है वो है आयोटा कॉइन। आयोटा कॉइन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इस प्राइस पे ये मिल रहा है, ये एक सेल प्राइस है। इसको मैंने बाय करना शुरू किया है 6400 सतोशी से नीचे, और अभी भी मैं करंट प्राइस पे भी इसको बाई कर रहा हूँ। इवन दैट मैंने 5100 सतोशी पे भी इसको बाई किया। लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कॉइन है, मीडियम टर्म में मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसकी प्राइस आपको 9000 सतोशी पे दिखाई देगी। अप्रोक्सीमेट आपको कितना ये प्रॉफिट, 60-70% ये प्रॉफिट दे सकता है। और लॉन्ग टर्म में तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो आपको वेरी सुन $2 के अबव भी दिखाई दे सकती है आयोटा कॉइन की। ठीक है, अगर इसका मैं अगर चार्ट देखता हूँ कॉइन मार्केट कैप पर, तो ये देखें, ये देखिएगा, अभी मैंने हाफ में इसकी प्राइस बताई है लॉन्ग टर्म में, कि मिनिमम $2 से ये क्रॉस कर गया अगर, तो आप खुद ही देख लें कितना अच्छा प्रॉफिट आपको 7x प्रॉफिट दे सकता है। इसका ऑल टाइम हाई $5.23 था। ठीक है, $5, अगर ये यहाँ पे जाता खुद अंदाजा लगा लें कितना प्रॉफिट दे सकता है। और रैंक देख लें, 16 रैंक है, सारे कॉइन जो है सेफ इन्वेस्टमेंट है। आयोटा कॉइन के बाद जो मेरा हमेशा से अच्छा कॉइन रहा है, परफेक्ट कॉइन रहा है, टीम भी अच्छी है, सारा कुछ है, वो कार्डानो कॉइन है। 1318 सतोशी इसकी प्राइस है। अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है और वक्ती तौर पे प्राइसेस थोड़ी सी नीचे भी आ गई हैं, तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्डानो कॉइन वेरी सुन, वेरी सुन मेरा मिनिमम जो टारगेट है $1 है, ये आपको दिखाई देगा $1 के ऊपर। ठीक है, इसकी तफसील काफ़ी पहले मैं वीडियोस में दे चुका हूँ, आप मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हो। जल्दी जल्दी से मैं एक नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ता हूँ, वो है इटर्निटी कॉइन। इटर्निटी कॉइन की नेक्स्ट मंथ में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। इसकी जो करंट प्राइस है 8799 सतोशी, अगर आपने इसको बाई किया हुआ है तो कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। बल्कि ये जो सारे कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको बाई किया हुआ है तो इसको होल्ड करें, इसको सेल, इसको लॉस में ना सेल करें, अदरवाइज डबल लॉस होगा। ये रिकवर भी होंगे, प्रॉफिट भी देंगे आपको। 8799 सतोशी इसकी प्राइस है, और इसको आप बाय कर सकते हो
8500 पे अगर आपको मिलता है, 8500 से 9000 के बिटवीन, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, अगर ये मिलता है आप इसको बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप इसको किसी भी प्राइस पे बाय कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा और पावरफुल प्रोजेक्ट है। ये टोटल सप्लाई वगैरह के मैंने पहले बताया, बात नहीं करूँगा। इसका भी जो ऑल टाइम हाई था वो $4.50 था, ठीक है। टीम बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि इसको इग्नोर किया जाए। इटर्निटी मैं पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, रिसेंटली स्टडी की है, अच्छा कॉइन है। इसके बाद जो कॉइन है वो है, अगर आपने होल्ड किया हुआ है, जिलिका कॉइन। जिलिका कॉइन इसका जो स्वैप भी होने वाला है या शायद हो गया है रिसेंटली, 362 सतोशी प्राइस है। काफ़ी दफ़ा टेलीग्राम चैनल पे भी बताया मैंने, अदर वीडियोस में भी बता चुका, इस वीडियो में अगेन बता रहा हूँ, जितना अपने बैक फिल कर सकते हो आप कर लो। जिलिका कॉइन आपको फ्यूचर में नाराज नहीं करेगा। 362 प्राइस है, अगर आपने इसको हाई प्राइस पे भी बाई किया तो इसको होल्ड करें, आपको ये काफी 10x फोल्ड आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। जिलिका कॉइन, जिलिका कॉइन अगर आप देखो इसके चार्ट में, तो इसकी भी मैं आपको यही कहूंगा, 700, 2155 सतोशी इसकी प्राइस थी, ठीक। और अभी देखें ये कितना, 7x भी डाउन है ये जिलिका कॉइन। और अच्छा कॉइन है, परफेक्ट कॉइन है, मेनेट इसका हो चुका है। कितने कॉइन्स हो गए, 10 कॉइन्स आई थिंक सो हो चुके हैं। कोमोडो नंबर 1, स्ट्रेटस नंबर 2, क्यूटम नंबर 3, पोली 4, ICX, आयोटा, ADA कॉइन, जिलिका कॉइन, अटर्निटी कॉइन, कितने हो गए, कोमोडो, स्ट्रेटस, क्यूटम, पोली, ICX, आयोटा, कार्डानो, जिलिका, AE, 9 कॉइन हुए हैं ना। इसके बाद जो कॉइन है वो है ईओस कॉइन, राइट। ईओस कॉइन जो है, ईओस कॉइन जितनी ज़्यादा इसकी आप देखो कि इसकी होल्डिंग हो रही है ना, शायद ही किसी के कॉइन की हो रही है, इसका रैंक भी बढ़ता जा रहा है। रैंक 5 है अभी, इसकी जो प्राइस है वो 87,426 सतोशी है, $4.76 का ये अभी करंट प्राइस पे आपको अवेलेबल है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपको ज़्यादा कहूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ये आपको बिगेस्ट प्रॉफिट देगा फ्यूचर में, ईओस कॉइन, ठीक है। अगर सही मायनों में इथेरियम का कोई कंपेटिटर है तो वो ईओस कॉइन होगा या नेक्स्ट जिलिका कॉइन होगा, राइट। इसके बाद आपको मैं 5 कॉइन ऐसे और बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि आपको, अगर आपने उनको होल्ड किया हुआ है तो उसको होल्ड करें मीडियम टर्म के लिए, वो आपको आपके पोर्टफोलियो को रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद देगा। वो है QSP कॉइन, एक है QSP कॉइन, 410 सतोशी पे इसकी करंट प्राइस है। आप इसको, अगर आपने इसको 500 सतोशी पे भी बाई किया हुआ है, 550 सतोशी पे भी बाई किया हुआ है, इसको होल्ड करें। इसके जब भी ये पंप आता है तो 60-70%, 40% का पंप आता है। इट्स नॉट लाइक ए पंप एंड डंप कॉइन, ओवरऑल क्वांटम कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है। हमेशा से मैंने इसमें शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया है, अभी आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा एक कॉइन है काइबरनेट, काइबर नेटवर्क, KNC कॉइन। KNC कॉइन के जो करंट प्राइस है वो 4,380 सतोशी है, 23 सेंट इसकी प्राइस है। अच्छा कॉइन है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ऑल टाइम हाई जो है वो इसका $4.80 के करीब है था, ठीक। लेकिन अभी इसका जो जो करंट प्राइस है वो आपको मैं बता चुका हूँ, आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर सकते हो। ये इसकी जो प्राइसेस है ना, KNC कॉइन की प्राइस है, ये भी एकदम से रिकवर होती है और आपको ये प्रॉफिट दे के जाता है। KNC कॉइन करंट प्राइस 23 सेंट है इसके, आप इसको बाय कर सकते हो। KNC कॉइन के बाद जो कॉइन है वो कॉइन है XZC कॉइन। जी कॉइन जो कॉइन है ना, ये जो कॉइन है ये भी बड़ा अच्छा कॉइन है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, $7.04 इसकी प्राइस है, ठीक है। 129227 इसकी BTC सतोशी में प्राइस है। टोटल सप्लाई देखिए बहुत कम है इसकी, ये भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, अगर आपने इसको होल्ड किया, उसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। इसके बाद एक कॉइन है जो कि कॉइन बेस पे भी लिस्ट है, OX कॉइन, ZRX कॉइन है, और इसका जो रैंक है 40 है। मोस्ट ऑफ द मैंने आपको जो कॉइन बताए उनके रैंक अच्छे हैं,
इसलिए इनमें से किसी कॉइन में अगर आप नीचे भी चला गया है, नीचे भी प्राइसेस चली गई है ना, पोर्टफोलियो डाउन भी वक्त ही हो गया बीटीसी की वजह से, अगर ये क्रैश भी हो जाते हैं तो ये आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि ये पावरफुल है। अगर पहले अच्छे रैंक्स में भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर क्या किया आपने? ओब्वियसली अगर ये अच्छे जो पावरफुल रैंक है इनमें किया तो कम अज कम ये वक्ती तौर पर नीचे भी जाते हैं, इनको होल्ड किया करें, ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये परफेक्ट है, आज नहीं कल अगर थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में भी आपको प्रॉफिट देंगे। 5463 इसकी सतोशी में प्राइस है, 29 सेंट इसकी डॉलर में प्राइस है, आप इसको होल्ड कर सकते हो करंट प्राइस पर, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये आपको मिनिमम 15x प्रॉफिट दे सकता है, ZRX जो कॉइन है। इसके अलावा एक कॉइन है जो कि सदियों से सोया पड़ा है, कोई उसकी बात नहीं करता, अभी लोग उसको बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कॉइन है जिसका हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ, वो है नियो कॉइन। नियो कॉइन जो है आप इसको बाय कर सकते हो 1660 पे, फक्ती शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइस जा सकती है, लेकिन आप अगर आप इसको एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, आज नहीं तो कल नियो का काम दिन आएगा और आप सब देखोगे अपने आंखों के सामने इसको बढ़ता हुआ देखते हुए। तो नियो कॉइन को अगर आप होल्ड करे बैठे हैं या लाई प्राइसेस पे बाय किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ आप रिग्रेट नहीं करेंगे फ्यूचर में अगर नियो आपने होल्ड किया हुआ है, अच्छा कॉइन है। इसके अलावा देखें इथेरियम कॉइन, ये बेसिक्स कॉइन है, अगर ये नीचे भी आ रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती, ठीक है। जैसे इसके अलावा मोनेरो कॉइन होगा, इनकी मैंने इसलिए बात नहीं की कि क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा इसका मैं बता भी चुका हूँ, अगर मैं ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि पूरी एक्सचेंज ही आपको बता दूँ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में ये भी अच्छा प्रॉफिट देंगे और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट देंगे ये वाले जो ओल्ड कॉइन्स हैं। अगर किसी कॉइन का मैंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा कॉइन नहीं है, ठीक है। मेरी नज़र में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अभी के लिए ये बेस्ट सूटेबल कॉइन्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हो। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये मेरी एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, ये एक पर्सनल एडवाइस है, आप अपनी खुद की भी स्टडी कीजिएगा, अगर आपको कॉइन अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट करें, अगर नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दें, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट देख सकते हैं और ह्यूज डंप में गया हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।